है दोस्तों। सो मैं पहुंच गया हूँ लुधियाना स्टेशन। सो मैं यहाँ लुधियाना स्टेशन से मुंबई की ओर जाऊँगा। सो मैं समय से पहले, टाइम से पहले यहाँ स्टेशन पहुंच गया हूँ। 10:30 की मेरी ट्रेन है। सो ये हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। सो ये लुधियाना स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लगता है अब, हालांकि पहले इतना सही नहीं लगता था। अब काफ़ी सुधार किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, सारी जनता कहीं ना कहीं अपने सफ़र, अपने मंजिल की ओर जा रही है। सो मैं भी जा रहा हूँ मुंबई की ओर, बहुत ज़रूरी काम मुझे आया है। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. सो दोस्तों, आधे घंटे के वेट के बाद मेरी ट्रेन फाइनली पहुंच गई है। सो मैं अभी ट्रेन के अंदर आ गया हूं अपने, जिस ट्रेन से मैं मुंबई की ओर जा रहा हूं। यहां देख सकते हैं आप कितनी सारी सीटें खाली पड़ी है। सो ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली है। सो ये बहुत तेज़ी से जा रहा है अपने मंजिल की ओर। सो मिलते हैं। As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. So, दोस्तों, चलते चलते हम आ गए हैं राजस्थान। राजस्थान के खेत है ये, और मैं पहली बार देखा ये खेत जो है उबड़ खाबड़, कहीं से ऊंची कहीं से नीची। अब राजस्थान में ऐसी खेती होती है क्योंकि पर पानी का अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ बारिश से खेती होती है। सो चलते चलते रात के बज गए हैं 11। अब यहाँ पर हम रात को 11 बजे पहुँच गए हैं जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर सिटी में पहुँच गए हैं। सो यहाँ 5-10 मिनट रुकेगी ट्रेन, उसके बाद दोबारा चलेगी। Hey, I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the So, दोस्तों, फाइनली हम मुंबई में एंटर कर चुके हैं। ये मुंबई का, आप गैस करो मेरे पीछे क्या चल रहा है। पीछे जो स्टेशन्स हैं वो कौन से हैं? सो फाइनली हमारी ट्रेन रुक गई है मुंबई में। सो पीछे जो आप देख रहे थे वो थे मुंबई के लोकल स्टेशंस ट्रेन के। सो मैं यहाँ बोरीवली स्टेशन है, मैं बोरीवली रेलवे स्टेशन वहाँ पहुँच गया हूँ। सो यहाँ से निकलते हैं। अब मैं अपनी मंजिल पहुँच गया हूँ। लुधियाना से कम 26-27 घंटे का सफ़र करके मैं मुंबई पहुँच गया हूँ। सो ये बोरीवली स्टेशन है। सो मैं यहाँ से उतरूंगा और यहाँ से मैं अंधेरे के लिए जाऊंगा, अंधेरी स्टेशन। सो दोस्तों, पहुँच गए हैं मुंबई। ये मुंबई का, मैं अभी बोरीवली से उतरा हूँ। बोरीवली से मैं अब आ गया हूँ मुंबई का, काफ़ी फेमस जगह है ये अंधेरी, अंधेरी स्टेशन। सो ये पूरा अंधेरी स्टेशन, बहुत बड़ा स्टेशन है ये, लोकल स्टेशन है अंधेरी। और ये देखो फैन, देखो जितना बड़ा स्टेशन उतना बड़ा फैन। Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. So दोस्तों, चलते चलते मुझे बहुत जोर की भूख लग गई है क्योंकि सुबह से मैं कुछ नहीं खाया। सो ढूंढते हैं बाहर, स्टेशन से बाहर निकल के क्या क्या मिलता है यहाँ। सो मुझे यहाँ 70 रुपये की प्लेट है ये, 70 रुपये में चावल, 2 रोटी, पापड़, दाल, सब्जी, अचार। सो पेट पूजा के बाद मुझे अब ढूंढना है रहने की जगह।
सो मैं अब यहाँ पर रहने के लिए अपना कुछ ढूंढूंगा रहने के लिए जो सस्ता और चीप और बेस्ट हो। सो बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ मिली है। अगर आप होटल में रूम लोगे तो आपको 1200 1300 1500 2000 इससे ऊपर ही मिलेंगे। सो आपको अगर मुंबई में रहना है बहुत ही चीप प्राइस में रहना है तो आपको 200 मिलेगा, लेकिन 200 का बिल्कुल बेकार है इसको। उसके बाद आपको 300 का मिलेगा, 350 का, 400 का, ये बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। 300 में भी बहुत अच्छा एक, इसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री एक होता है, उसमें आपको एक बेड मिलता है, एसी होता है नॉन एसी होता है। 200 में आपको नॉन एसी मिलेगा, 300 में आपको, 350 400 में आपको फुल एसी वाला मिलेगा डॉर्मेट्री, जिसमें आपको एक बेड दिया जाएगा, उसके अंदर फ़ैन होगा। सो मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैं किस डॉर्मेट्री में रुका था और वहाँ का क्या सीन था और कितना प्राइस था वहाँ का। सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आगे आपके नॉलेज वाली बातें आपको बताई जाएगी। सो ये है डॉर्मेटरी, अंधेरी स्टेशन के बैक साइड पड़ता है ये, ईस्ट अंधेरी बोलते हैं इसे। सो ये बहुत ही साफ़ सुथरा ये डॉर्मेटरी मुझे मिला है। ये मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था 433 रुपये में, जो 433 रुपये दिए हैं। उसके बाद मैं ऑफलाइन दूंगा तो मुझे सिर्फ 400 रुपये पड़ेगा। ये पूरा एसी है, फुल एसी है। रात को तो बिल्कुल ठंड लग जाती है, कंबल ओढ़ना पड़ता है। सो इसके साथ ही दो बाथरूम है, साफ़ सुथरा, ये पूरा बहुत साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छा है। सो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, तो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ कुछ बाहर सैर सपाटे के लिए। मुंबई की गलियाँ, मुंबई की सड़कें देखें। सो मैंने अपना वेन्यू भी देखना था जहाँ पर मेरा ऑडिशन और इंटरव्यू था। सो मेरा इंटरव्यू है 2-3 दिन के बाद। सो मैं उस वेन्यू को देखूँगा ताकि मुझे आसानी रहे। सो चलते चलते मुझे देखो कौन मिल गए हैं, टेरेंस सर मिल गए हैं। ये है यशराज, यशराज फिल्म स्टूडियो ये। सो रात को यहाँ इनके पास ही मेरा जहाँ ऑडिशन और मेरा इंटरव्यू होना था, सो ये इसके पास ही है। तो मैं ये रात के समय में मैं यहाँ पर मिला हूँ। सो मुझे चलते चलते आपको अचानक, मैं जा रहा था तो बिल्डिंग के बाहर एक खड़े थे बॉडी बिल्डर टाइप, टोपी लगा के। तो मैं थोड़ा सा पास गया तो मुझे लगा टेरेंस सर हैं। तो मैंने हेलो सर, हाउ आर यू, सब कुछ किया मैंने। तो काफ़ी अच्छा उनके साथ भी एक्सपीरियंस रहा, दो चार बातें की, तो उनकी गाड़ी आ गई और चले गए। सो मैं अपना वेन्यू देख के आया, टेरेंस सर से मिल के आया। सो मुझे अब भूख लग गई थी और रात का टाइम हो गया था, तो ये फ्राइड राइस खा रहा हूँ मैं, 70 रुपीज़ की प्लेट है ये। सो रात हो गई है, अब मैं खाऊंगा और अपने रहने के वहाँ जाऊंगा और सो जाऊंगा। हे व्हाट्स अप गाइस, सो मैं अब घूम फिर के आ गया हूँ अपनी डॉर्मेटरी में। सो मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 433 में लिया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं सस्ते में कैसे रहा जाए मुंबई बड़ी सिटी में, सो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हर जगह बताऊँगा। 300 का भी है, 200 का भी है, 400 का भी है। सो आगे और भी ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब।